हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्लींजिंग मिल्क के बारे में फुल डिटेल। ब्यूटी पार्लर कोस्ट से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है, सीखनी है, जाननी है, छोटी छोटी बारीकियाँ जो हम लोग मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा ग्लो नहीं आता है, हमारी हेयर कटिंग अच्छी नहीं होती है, हमारा पार्लर का जो भी काम है वो प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाता है, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे, क्या, कौन सा क्लींजिंग मिल्क कब, क्यों, कैसे और किस तरीके से बेस्ट रिजल्ट आपको देगा, तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कर दीजिए लाइक क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। एंड पार्लर का काम जो भी सीखना चाहते हैं आपके फ्रेंड में, फैमिली में, रिलेशन में जो भी हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आज बात करूंगी आप लोगों से आयुर क्लींजिंग मिल्क के बारे में। ये क्लींजिंग मिल्क काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी डीप क्लींजिंग है, इसको आप देख सकते हो, मैं देख सकते हो, मैंने इतना यूज़ भी कर लिया, ये मैंने खुद पे यूज़ किया। इन कस्टमर के लिए बड़ा वाला पार्लर पैक है, तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या रिजल्ट देता है, सब कुछ डिटेल में देखने को मिलेगा। इससे पहले जो छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो कि हम लोग स्किप कर देते हैं जिससे कि हमको पार्लर जैसा ग्लो नहीं मिल पाता है, तो पार्लर का टॉप सीक्रेट मैं बता रही हूँ आपको, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो अलग सी साइन दिखती है, चमक आता है, वो सारी चीज़ें आज आपको पता चल जाएंगी और अपने घर पर कर पाओगे अच्छे से क्लींजिंग मिल्क और अपने फेस को सॉफ्ट, स्मूथ एंड क्लियर दिखा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अक्सर घर पे क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं एंड क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करते हैं, दैट्स इट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पानी तो लेना है बट पानी फिल्टर होना चाहिए, आर ओ से ले लो। एंड मसाज करते टाइम आपको लेना है गुलाब जल। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ये सारे स्टेप सबको नहीं पता होंगे, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने वीडियोस में, जो कि 100% इफ़ेक्टिव होती हैं, यूज़ की हुई होती हैं, रिजल्ट देखने के बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो ये गुलाब जल है, मैंने इसको मीशो से मंगाया था जिसमें से आधा ख़त्म हो चुका है, ये मैं दुकान से ली थी, तो इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और टॉप सीक्रेट है जो आपके स्किन को डीप क्लीन करता है, ओपन पोर्स को अच्छे से क्लीन करता है एंड जो आपका पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम होती है उसको भी वन यूज में ही, जैसे पहली बार ही आप क्लीनअप करा रहे हो तो 50% तक कम कर देता है। तो इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी तो कुछ हो ही नहीं सकती मेरे ख्याल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉप सीक्रेट है हमारा वो है ग्लिसरीन। आप क्लींजिंग मिल्क में ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो, ऑल स्किन टाइप, जब भी हम लोग फेशियल स्टार्ट करते हैं या मसाज स्टार्ट करते हैं या फिर स्किन को थोड़ा सा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी स्किन पे जितनी भी डेड स्किन हो, जितना भी गंदगी हो, डर्ट हो, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो ये जो ग्लिसरीन होता है ना, ये आपके फेस को अच्छे से क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप जब भी क्लींजिंग मिल्क यूज कर रहे हो तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, सॉल को रख देते साइड में, ठंडी तो बहुत है बट आप लोगों के लिए इतनी कुर्बानी तो मैं देख सकती हूँ। तो चलिए, मैंने इस तरीके से स्प्रे वाला बॉटल लिया है क्योंकि ये यूज करने में, अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। तो अच्छे से फेस को गीला करना है गुलाब जल से। ओके, तो गुलाब जल से मैंने अच्छे से फेस को गीला कर लिया है। अब मैं लूँगी ग्लिसरीन। सेम प्रोसेस यूज कीजिएगा कस्टमर पे भी, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपके कस्टमर भर भर के आएंगे। क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 2 से 3 महीने हुए पार्लर ओपन किए हुए और मेरे कस्टमर जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन गए हैं और जो भी आया है वो बार बार ज़रूर आता है। तो इस तरीके से ग्लिसरीन को पूरा फेस पे अप्लाई कर देंगे, ये जिससे कि आपने आपके स्किन को जितना भी डेड स्किन है, डर्ट है, उसको रिमूव करेगा। आपको मेरा फेस देख के काफ़ी क्लीन लग रहा होगा, बिल्कुल भी डर्ट नहीं दिख रहा होगा, बट जैसे मैं अप्लाई करूँगी तो देखिएगा कैसे कैसे आपको दिखता है सब कुछ, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल कैमरे में मैं बना रही हूँ। तो फिल्टर भाई साहब उतना ही लगाओ ताकि लोग बाहर में पहचान लें कि हाँ वही है। तो इतना क्लींजिंग मिल्क लिया है आयुर क्लींजिंग मिल्क, काफ़ी अच्छा है यूज करने में भी, रिजल्ट में भी, एंड जैसे इसका क्रीमी टेक्चर है एंड बहुत जल्दी आपके स्किन के डर्ट को रिमूव करने लग जाता है। तो इस तरीके से आपको देखिए अभी पूरा वाइट दिख रहा है ना, ये कम से कम आपको 5 मिनट तक क्लींजिंग मिल्क अप्लाई करना है अपने फेस के हर एक पार्ट पे। तो मुझे अभी जाना था यहाँ के पास ही के मार्केट में, व्लॉग भी शेयर करूँगी क्यों गई थी, क्या लिया मैंने,
अभी मैंने एक सॉल्ट डाला है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मम्मी आंखों में जा रहा है, जैसे आप कस्टमर का करोगे तब तो आंखों पे प्रॉपर कीजिएगा। मुझे आप लोगों से बात भी करना है एंड ये मसाज भी करना है, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इन तीनों चीजों को मिक्स करके अच्छे से मसाज करना है, राउंड राउंड में भी कर सकते हो, कस्टमर पे करना है तो आपको इस तरीके से करना है। ओके, लेकिन खुद पे कर रहे हो तो इस तरीके से कर सकते हो। आईज पे इस तरीके से मसाज करना है, यहाँ पे करना है क्योंकि हमारी जो ब्लैकनेस होती है वो अक्सर यहीं पे आती है, नोज के इस पार्ट पे। हर एक स्टेप जो फेसियल का होता है उसको मैं पूरा बारीकी से बताती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज की जो वीडियो है इसमें सिर्फ मैं क्लींजिंग मिल्क के बारे में बता रही हूँ। अभी आपने देखा था पूरा वाइट था क्रीम, अभी देखिए इसमें मैल आ गया है। अरे इसमें यार बहुत लग रहा है। मैंने यहाँ पे फिल्टर पानी लिया हुआ है, तो आप भी फिल्टर पानी लीजिएगा अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हो और चाहते हो कि आपका कस्टमर आपके साथ बार बार आए, तो उनको अच्छे से अच्छा रिजल्ट दीजिए। आप थोड़ा सा और ले लीजिए क्लींजिंग मिल्क। ये फेसियल करने का फर्स्ट स्टेप होता है हमारा। फेसियल आप कोई सी भी कर रहे हो, पहले फेस को अच्छे से क्लीन करना है, उसके बाद ही आपको फेसियल करना होता है। आप चाहो तो इसको अपने डेली फेस वॉश की जगह पे भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या फिर आपको कोई फेस वॉश सूट नहीं करता है तो। फेसियल प्रेशर पॉइंट क्या होता है, उसमें ग्लो कैसे आता है, उसकी डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ही मसाज करना है। गर्दन को बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि जितना हमारा फेस दिखता है इतना गर्दन तो हमारा हमेशा दिखता ही है। स्किन वाइटनिंग के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं। तो आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, लेकिन जो हमारा क्रीम है ये डर्ट जो भी था हमारे स्किन में वो अच्छे से निकल चुका है। तो क्लींजिंग मिल्क से जितने भी जुड़ी हुई डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे आपको। फेशियल करते टाइम क्लींजिंग मिल्क कैसे करना चाहिए, क्लींजिंग मिल्क करने का सही तरीका क्या है, हाउ टू अप्लाई परफेक्ट वे टू क्लींजिंग मिल्क स्टेप बाय स्टेप, आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग साफ कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी फेशियल का पूरा डिटेल दूंगी ये 5-6 दिनों में स्टेप बाय स्टेप। आज का जो था वो क्लींजिंग मिल्क को कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सब कुछ। ये फ्रॉक मैंने खुद से बनाया है एंड इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर जा चुका है, प्रीत तिवारी 2 चैनल का नेम है, तो वहाँ पर भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। जिसको भी सिलाई का काम सीखना हो, सिलाई से रिलेटेड बारीकियाँ जाननी है, तो वो जाके वहाँ पर देख सकता है और सीख सकता है। तो ये मैंने सिला था लेकिन मैंने पहना नहीं था, तो मैं इसको आज पहनी हूँ, बट मैं बाहर जाऊँगी तो इसको निकाल दूंगी क्योंकि बाहर ठंड है और फ्रॉक पहन के, गर्मियों वाला कपड़ा पहन के हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने क्लींजिंग मिल्क तो कर लिया लेकिन बाहर जाना है मुझे, और मैं सिर्फ क्लींजिंग मिल्क लगा के नहीं जा सकती हूँ, तो अपना स्किन केयर कैसे करती हूँ वो भी बता देती हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो मैंने इस तरीके से फेस को तो साफ कर लिया,
मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप कौन सा क्रीम यूज करते हो, क्या यूज करते हो कि आपका स्किन इतना हेल्दी दिखता है एंड ग्लोइंग रहता है, एजिंग भी नहीं दिखती है। तो मैं डियर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली अपना स्किन केयर रूटीन जो है वो फॉलो करती हूँ। कभी कभी बीच में स्किप भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, आपका रूटीन मतलब होना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए आपको स्किन केयर अपनी, तभी आप अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हो। थोड़ा सा दिन भर के इतना तो नहीं कर सकती कि आप दिन भर अपने स्किन का केयर करो, बट 5 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो अपने लिए भी। तो पूरा फेस फ्रेश फील हो रहा है, बट इसको अगर ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग बाहर चले जाएंगे तो हमारे स्किन पे डर्ट गंदगी आ जाएगी, तो जितना भी हमने मेहनत किया वो सारा रिमूव हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कवर करके फिर जाएंगे हम लोग। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे लैक्मे पीच मिल्क का सनस्क्रीन एंड आयुर का लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइजर एंड आयुर का सनस्क्रीन। आयुर का सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, क्रीमी टेक्सचर है, बिल्कुल भी वाइट फील नहीं देता है, वाइट टच नहीं देता है। जैसे हम लोग कई सनस्क्रीन लगाते हैं तो क्या होता है, देखिए इतना ज़्यादा सनस्क्रीन लगाया, मैं सनस्क्रीन भर भर के लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई, और मैं अगर सनस्क्रीन भर भर के नहीं लगाऊंगी तो मेरी स्किन बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाएगी, पिगमेंटेशन आ जाएगा, छाइयाँ आ जाएगी। तो अपने स्किन को अच्छे से केयर करना चाहिए, स्किन के साथ साथ हमारा जो भी पार्ट दिखता है, गर्दन हो गया, हाथ हो गया, सबको अच्छे से मॉइस्चराइज करना चाहिए। वाह, तो मैंने लगा लिया बचा हुआ प्रोडक्ट, मैं अपने हाथों पे इस तरीके से लगा लेती हूँ। मेरे हाथ देखो, मेरे कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं मैम काश आपके जैसे हमारे भी हाथ होते, बस ये फेशियल वेशियल करते करते इतने खूबसूरत दिखते हैं, वैसे मेरे हाथ खूबसूरत है अभी। तो ये हमने लगा लिया सनस्क्रीन को, 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि वो सॉरी मॉइस्चराइजर को 2 मिनट का टाइम देंगे ताकि वो आपके स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे अपना फेवरेट सनस्क्रीन जो आपकी स्किन पे सूट करता हो। और इसको अप्लाई करेंगे, मेरी स्किन बहुत ड्राई है, मेरी स्किन पे छाई वाई की प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो सकती है, लेकिन बस जो मैं अपना डेली स्किन केयर रूटीन करती हूँ उसकी वजह से मेरा स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखता है और कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, बस एक डार्क सर्कल के अलावा। डार्क सर्कल इसलिए है क्योंकि रजाई के अंदर मुंह डाल के मोबाइल चलाते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया, बस अब मैं ऐसे ही मार्केट जाऊंगी, कुछ भी नहीं करना है, मेकअप वगैरह कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बिंदी लगाऊंगी, हल्का सा लिप को मॉइस्चराइज करूंगी। तो आई होप कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। और आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा जरूरत है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट हेल्पफुल जानकारी के साथ, ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड वीडियोज लेके। बाय बाय।